नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपकी शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। अलीगढ़ धनीपुर हवाई पट्टी पर उस समय भगदड़ मच गई जब हाई टेंशन बिजली के तार में चार्टर्ड प्लेन फंस गया। इस घटना में प्लेन खाक हो गया, वहीं चार्टर्ड प्लेन में सवार 6 लोग सुरक्षित हैं। हादसे की सूचना मिलते ही अलीगढ़ प्रशासन के होश उड़ गए। एडीएम सिटी राकेश मलपाड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी एविएशन कंपनी के प्रशिक्षु प्लेनों की मरम्मत के लिए इंजीनियर दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर आए थे। फिलहाल जांच चल रही है कि हादसा किन कारणों से हुआ। वहीं विद्युत विभाग का आरोप है कि पायलटों की लापरवाही से हादसा हुआ है। प्रदेश में शिक्षकों के नए रूप सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रोहतास का है, जहां एक शिक्षक ही शराब माफिया निकला। रोहतास के दावत से पुलिस ने विनोद कुमार सिंह नामक एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी अपने स्कॉर्पियो से शराब की डिलीवरी करते समय हुई है। शिक्षक विनोद कुमार सिंह मूल रूप से विक्रमगंज के शिवपुर का निवासी है और बक्सर जिला के नावानगर स्थित मध्य विद्यालय में पदस्थापित है। शिक्षक के साथ ही चंदन कुमार और गोलू कुमार भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 27 कार्टून में कुल 2,846 बोतल इंपीरियल ब्लू नामक अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं एक स्कॉर्पियो, 6 मोबाइल के अलावा 8,000 रुपए नकद भी मिले हैं। बड़ा सवाल ये कि एक तरफ बिहार सरकार शराब को लेकर सख्त कानून बना रही है, वहीं जिस तरह से बड़े स्तर पर शराब की तस्करी हो रही है, लगता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से शराबबंदी में फेल है। आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हुआ करती थी, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया था। फिलहाल बात करते हैं कन्नौज जनपद के विकास खंड छिबरा मऊ की। इस ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव के बाहर पड़ी खाली जगह हो या गांव के अंदर की सड़कें, सभी जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं गांव की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं खुद ही नालियों की गंदगी साफ करते नजर आ रहे हैं। गांव में फैली गंदगी की शिकायत प्रधान से लेकर आला अधिकारियों से की गई, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आप खुद देख लीजिए क्या कहते हैं गाँव के लोग और अधिकारी। नायक नगर शिवराम के रहने वाले हैं। क्या नाम है? राजेश। समस्या सर ये है, करंजा जो है बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है, पानी भर जाता है, बहुत हमको दिक्कत आती है। इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना प्रधान कर रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ साहब खूब की पर कोई आता ही नहीं है, आता है देख के चला जाता है। पानी की समस्या और हैंड पाइप भी नहीं है, यहाँ पे सड़क भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है जब बारिश होती है। कह भी चुके हैं तो वो ये कहते हैं मट्टी मतलब डलाइएगा तब मतलब सड़क बनेगी, उसके पानी में घुस के मतलब निकलते हैं, कपड़े सीमेंट लेते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं पानी निकलने की। देखा जा रहा है जिस तरह यहाँ पर नाली भी नहीं है, नहीं क्या आप लोग का पानी जो घर का पानी हो वो हम लोग गड्ढा करते हैं, गड्ढे में जाता है पानी, नाली मतलब बना के फिर खुद मतलब अपने ही मतलब निकालने की रास्ता करते हैं। उनका यही कहना सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, सफाई कर्मी को 2-3 जाब आ चुके हैं, मोबाइल से चाप रहता है। प्रधान से भी इसके बारे में बोल दिए इसको सफाई करवाइए, तो प्रधान जी कहते हैं सफाई करवाएंगे, आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, सफाई होती है। हाँ, छिबरामऊ देहात की समस्या हमारे पत्रकार महोदय ने बताया है, इसका संज्ञान लिया जा रहा है और छिबरामऊ को अभी निर्देश कर दिया गया कि तुरंत तत्काल ही वहाँ अपनी मजदूरी लगा करके सफाई व्यवस्था कायम कराएं, अन्यथा न होने पर देश और प्रदेश की सरकारें भले ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास कर रही हों, लेकिन गांव के प्रतिनिधि ही इस अभियान को ठेंगा दिखाने लगेंगे तो भला इस अभियान को फेल होने से कौन रोक सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।